सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एंगल की वैल्यू के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। देखिए एंगल की वैल्यू जो कि हमें सीएनसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, इसके अलावा इसका यूज स्टूडेंट्स भी करते हैं। 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू होता है, इसके बाद में जहाँ भी जरूरत पड़ती है, 10th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं, +1 या +2 का मैथ है या आगे मैथमेटिक्स है, उसके अंदर भी इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो देखिए टाइम थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। तो 10 5 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। 10 5 बराबर है 0.0874, 10 10 बराबर है 0.176, 10 15 बराबर है 0.267, 10 20 बराबर है 0.363, 10 25 बराबर है 0.466, 10 30 बराबर है 0.577, 10 35 बराबर है 0.700, 10 40 बराबर है 0.839, 10 45 बराबर है 1.00। बराबर है 1.191, 10 55 बराबर है 1.428, 10 60 बराबर है 1.732, 65 बराबर है 2.144, 70 बराबर है 2.747, 75 बराबर है 3.732, 80 बराबर है 5.671, 85 बराबर है 11.43। तो ये हमारे 10 थीटा के एंगल की वैल्यू है। 10 5 का मान है 0.0874 है, 10 10 का मान है 0.176 है, 15 का मान है 0.267 है, 20 का मान है 0.367 है, 25 का मान है 0.466 है, 30 का मान 0.577 है, 35 का मान 0.70 है, 40 का मान 0.839 है, 45 का मान 1 है, 50 का मान 1.191 है, 55 का मान 1.428 है, 10 60 का मान 1.732 है, 10 65 का मान 2.144 है, 70 का मान 2.747 है, 75 का मान 3.732 है, 80 का मान 5.671 है, 85 का मान 11.43 है। तो दोस्तों ये थीटा के मान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान है, ये स्टूडेंट्स के भी काम आता है, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी काम आती है, इसलिए थीटा की वैल्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी पार्ट बना रहा हो, कहीं भी एंगल तो दिया होगा, एंगल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हमें थीटा का मान याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है।